हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इनके एग्जांपल हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो क्लास 14 के ग्रुप 14 के एलिमेंट है। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और प्योर सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है लो। लो का मतलब वो क्या, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, 10^-6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेके ये होती है 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यानी जब टेम्परेचर कम होता है तो इस रेंज के अंदर इनकी कंडक्टिविटी होती है, और टेम्परेचर बढ़ने पर यहाँ तक ये चली जाती है, 10^4 तक ये चली जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे आप इनको काम में नहीं ले सकते एज ए कंडक्टर। क्यों, इनकी कंडक्टिविटी वेरी लो है। ठीक है, तो वेरी लो होने के कारण इनको आप प्योर फॉर्म में लो टेम्परेचर पे काम नहीं ले सकते, ये किसी यूज के नहीं होते। फिर बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप सेमीकंडक्टर, वो कौन से होते हैं। सेकेंड टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डोप्ड, डोप्ड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अभी डोप्ड सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, ये हमें ध्यान देखना है। देखिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकन और जर्मेनियम, सिलिकन और जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इनके अंदर हम इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। और इम्प्योरिटी कौन सी होती है, इम्प्योरिटी होती है ग्रुप 13 और ग्रुप 15 की। ठीक है, ये दो ग्रुप की इम्प्योरिटी अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि इनकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है 3, यानी ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप 15 की हम बात करें तो ग्रुप 15 की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी होती है 5, दैट मीन्स ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं किसी अदर एलिमेंट के साथ में। ठीक है, फिर अपन डोप्ड सेमीकंडक्टर कह रहे हैं तो डोपिंग क्या होता है, पहले हमें डोपिंग पता होनी चाहिए कि व्हाट इज डोपिंग। ये प्योर आपके समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं अपन, डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग। देखिए, डोपिंग क्या होती है, द प्योर सेमीकंडक्टर, द प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस बाई इंप्योरिटी, बाई इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 और ग्रुप 15। ठीक है, द प्योर सेमी कंडक्टर इंट्रोड्यूस बाई इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15, देन डोप्ड सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, दिस फिनोमिना कॉल्ड डोपिंग, यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम इम्प्योरिटी
मिक्स करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, वो डोपिंग कहलाता है। इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है, ठीक है। और डोपिंग के द्वारा जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये डोपिंग जो है ना, वो डोपिंग सिलिकन और जर्मेनियम में, ये तो क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि ग्रुप 14 के एलिमेंट ये हैं। इम्प्योरिटी अपन या तो ग्रुप 13 की इंट्रोड्यूस करेंगे या ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखिए ग्रुप 13 की जो इम्प्योरिटी है, वो ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी, देखिए एक सिंपल सी बात अपन करते हैं, ग्रुप 14 के ये प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकन एंड जर्मेनियम, सिलिकन एंड जर्मेनियम, इनकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है इनकी 4, दैट मीन्स ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। फिर अपन ग्रुप 13 की बात करते हैं, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है कितनी, 3, यानी ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है, किसकी किसकी कंपेरिजन में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपैरिजन में। तो इसको अपन, इस इम्प्योरिटी को, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्योर सेमीकंडक्टर है उससे क्या है, कम है, ठीक है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। फिर देखिए ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी की बात करते हैं, ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी की वैलेंसी जो है, वो वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी कितनी, 5, ठीक है, 5 वैलेंसी है, यानी कि इससे क्या है, एक ज्यादा है, ग्रेटर है, मोर है, ठीक है। इससे ज्यादा होने के कारण इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी इनको हम बोलते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी यानी कि ग्रुप 13 की इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी यानी कि ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑन द इम्प्योरिटी है ना, बेसिस ऑन द इम्प्योरिटी, जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, फर्दर टू टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उनको हम स्टडी करते हैं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए आपके दिमाग में यदि ये आ रहा है कि हमने डोपिंग क्यों की, तो डोपिंग करने का कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोपिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डोपिंग करने से जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है सेमीकंडक्टर की, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसकी डोपिंग करते हैं, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी सेमीकंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके, ठीक है। देखिए प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने पास प्रेजेंट है, इसमें अपन ग्रुप 13, कौन से ग्रुप की, ग्रुप 13 की, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर्स आर इंट्रोड्यूस the impurity of group 13 element, group 13 element, then the semiconductor
होम और कोल्ड, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि जब भी आप ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो बनने वाला, ठीक है, बनने वाला जो सेमीकंडक्टर है वो क्या कहलाएगा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब देखिए होता क्या है, कैसे इसको हम पी टाइप बोल रहे हैं, इसमें क्या चार्ज को लेके जाने वाले स्पीसीज होती है वो कैसी क्या होती है, वो सब हमें देखना है। देखिए हम बात करते हैं, सिलिकन ले लेते हैं या जर्मेनियम कोई भी एक ले लेते हैं, इम्प्योरिटी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इम्प्योरिटी जो होती है वो लेस क्वांटिटी में होती है। ऐसा नहीं कि जब आप डायग्राम ड्रा करें तो उस समय इम्प्योरिटी को इक्वली कर दें, इक्वली नहीं करना। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, ग्रुप 13 का है। अब देखिए हमें पता है कि जो वैलेंसी है ना, किसकी वैलेंसी, वैलेंसी एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है, ठीक है, और सिलिकन की कितनी है, 4 है। तो इसकी वैलेंसी 4 है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी ओनली कितनी है, 3 है। तो एल्यूमिनियम के जो 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ में, वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे सिलिकन के साथ में, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के साथ में, ठीक है। बट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह एक वेकेंट ऑर्बिटल है और वो वेकेंट ऑर्बिटल एज ए होल रिएक्ट करती है, एज ए होल रिएक्ट करती है। देखिए सबकी वैलेंसी कितनी है, 4 है इनकी और इसकी कितनी है, 3 है। देखिए एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया एल्यूमिनियम और सिलिकन के बीच में, सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, बट अब फोर्थ नहीं बन सकता क्योंकि फोर्थ के लिए सिलिकन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसके पास है एक ओनली, एक क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है और वो वेकेंट ऑर्बिटल एज ए होल कार्य करती है, ठीक है। कैसे रिएक्ट करती है, एज ए होल, इसको अपन बोलते हैं होल। क्लियर, आगे बात समझ में। तो हर जगह आप यहाँ ये बता सकते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, सब जगह बताने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक इम्प्योरिटी के साथ में आप बता सकते हो और अदर जगह बता दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना बन गया डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये बन गया होल। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होता है, जब इसके ऊपर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इधर हम लगा देते हैं पॉजिटिव प्लेट और इधर हम लगा देते हैं नेगेटिव प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हमने लगा दी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस होल के पास में, है ना, इसके जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स है, नियर बाय इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है, वो नियर बाय इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, जंप करता है। जैसे यहाँ जंप करेगा ये इलेक्ट्रॉन या कोई भी नियर बाय इलेक्ट्रॉन, तो इसके जंप करने पर यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो मूव करने के लिए इसको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए और वेकेंट ऑर्बिटल का काम कौन कर रहा है, होल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जैसे ही जंप करता है तो एक न्यू होल यहां क्रिएट हो जाता है, फिर कोई नियर बाय इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां जंप करेगा तो यहां एक होल क्रिएट हो जाएगा, यानी जो होल है वो इनडायरेक्टली मूव कर रहा है किधर, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है होल, इसलिए इस होल को हम एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, यानी कि होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं किसको, होल को। क्लियर, और होल वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इस कारण से होल को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो आपको पूछे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज
ले जाने वाली स्पीसीज है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करने वाली जो स्पीसीज है वो कौन है, तो वो बोलेंगे होल, क्योंकि मेन स्पीसीज होल है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो रहा है लेकिन वो होल के कारण हो रहा है, यदि होल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता। क्लियर? तो चार्ज ले जाने वाली स्पीसीज कौन है, होल है, और होल को क्या मान रहे, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव है, और P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम इसका पड़ा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम या ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, और ग्रुप 14 की वैलेंसी कितनी, 4, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ फॉर्म हो जाते हैं, बट इसका एक जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट रहता है, और वो वेकेंट ऑर्बिटल के जगह क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, और वो होल है वो कहाँ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज अपन मानते हैं। क्लियर? ये थे पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, कोई भी आप ग्रुप 13 एलिमेंट आप इसमें इंप्योरिटी के रूप में ले सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देते हैं इसके। देखिए एग्जाम्पल, सिलिकन प्लस बोरोन, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप, पी टाइप। ठीक है, जर्मेनियम प्लस बोरोन, विच टाइप, पी टाइप। सिलिकन प्लस गैलियम, विच टाइप, वही पी टाइप। ठीक है, जर्मेनियम प्लस गैलियम, पी टाइप, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, और ये बात भी आपको इस समझ समझ में आ गई होगी कि अब हमने इम्प्योरिटी या डोपिंग की तो क्यों की, इम्प्योरिटीज में मिक्स की, इंट्रोड्यूस की, क्यों की डोपिंग, क्यों की, क्योंकि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, डोपिंग करने से होल क्रिएट हो गया, और होल क्रिएट होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्टिविटी बढ़िया शो करेगा, अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा, हाई कंडक्टिविटी शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर सेकंड। क्लियर? अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, इनमें इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, कौन से ग्रुप की, इंप्योरिटी ऑफ 15 ग्रुप। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखने की है, यहां अपन ये इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी है। ठीक है, और यहां यदि दिमाग में ये आ जाए कि नाइट्रोजन को भी तो हम इंप्योरिटी के रूप में ले सकते हैं, इसको नाइट्रोजन को इंप्योरिटी के रूप में नहीं ले सकते, इसका रीजन क्या है, देखिए 1s2 2s2 और 2p3। देखिए यहां हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, ठीक है, ये वैलेंसी कितनी दिखाएगा, वैलेंसी कितनी, 3। दो कारण है इसके, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, इसमें आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और डी ऑर्बिटल वेकेंट ना होने के कारण इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी इंक्रीज नहीं हो पाती, मेन कारण यही है डी ऑर्बिटल का, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट नहीं हो सकते, यदि आगे प्रमोट हो जाते तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाती, वैलेंसी हो जाती इसकी 5, और इसको भी फिर हम ले सकते थे किसके रूप में, इंप्योरिटी के रूप में, तो ध्यान रखना इस कारण से इसको हम नहीं लेते। पूछ लिया जाए व्हाट इज रीजन, तो आप बोलेंगे एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, ठीक है, नॉट अलाउड टू इंक्रीज द वैलेंसी। क्लियर? अब बात करते हैं
क्या होता है। अब इस नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये कुछ भी आप इम्प्योरिटी के रूप में आप ले सकते हैं। फिर बात आती है पोलोनियम की, सॉरी बिस्मिथ, ये ले सकते हैं सारे के सारे, क्लियर। अब ये लेने से देखो होगा क्या, और डेफिनेशन लिखना चाहिए तो वो डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, वहन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, दैट मीन्स ग्रुप 15। देन द सेमी कंडक्टर फॉर्म कॉल्ड एन टाइप